हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में A1 टेक में। मेरा नाम है नरेश, आप देख रहे हैं A1 टेक। गाइज, मैंने परसों पोस्ट किया था कि मैं PSP के ऊपर जल्दी से एक ऑनलाइन वीडियो लेके आऊँगा, और आज मैं वो वीडियो लेके आ चुका हूँ। क्योंकि कल भी मैंने लाइव में बोला था, क्योंकि कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था इसलिए कल वीडियो नहीं आया। जो लाइव में आया था मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो में जो हार्ड स्टेप होते हैं PSP के अंदर, जो आप फील नहीं कर पाते, वो मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, आगे भी आपको कुछ इसी तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। तो जो आज मैं वीडियो बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आप जैसे कि हम PSP के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसको GST डिटेल फिल करना है, ठीक है, कैसे हम उसमें इनकम टैक्स की डिटेल फिल करना है, तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और वीडियो को कंटिन्यू रहना, वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है। अगर फुल वॉच करते हो तभी आप PSP का लोन निकाल पाओगे, ठीक है। अगर बीच में मिस करते हो तो कुछ पार्ट रह जाएगा, तो आप कन्फ्यूजन होगा। अगर एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसके 2 महीने के बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छे से डिटेल, एक एक डिटेल चेक करके अच्छे से फिल करनी होगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है नरेश, ठीक है, नरेश21296, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, और जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आपका शॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे को स्क्रीनशॉट डालो व्हाट्सअप पे, और मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ आइए, आपको डिटेल फिल करनी है, ठीक है। और कुछ डिटेल ऐसी हो जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि इस फोरम में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो हर एक बंदे का अगर मैं फोरम करने लगूँ तो मतलब दिन के 3 या 4 ही फोरम हो पाए मेरे को, क्योंकि ओनली मेरे को 2 से 3 घंटे का टाइम ही मिल पाता है जिसके अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये वीडियो बनाने का यही मेरा पर्पज है कि आप खुद अपने जो लोन है PSP का खुद अप्लाई करें। और कुछ डाउट होते हैं, कुछ डिटेल वगैरह आकर कुछ मिस हो जाती है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो आज का वीडियो बताऊँगा आपको, जो इसमें हार्ड स्टेप होती हैं, ठीक है, जो सबसे डीपली स्टेप होती हैं कि यहाँ हम कैसे अमाउंट डालें, किस तरह की अमाउंट डालें, ठीक है, तो वो सब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेना। और अब चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। आपकी एज भी आपके 20+ एज होनी चाहिए, और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई करो, ठीक है। जो इसके अंदर कैसे हम लोन के रिक्वायर डालते हैं, कैसे हम डिटेल फिल करते हैं, आपको A to Z इसके अंदर छोटी से छोटी डिटेल आपको अच्छे से समझाया है मैंने वीडियो में। तो चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहना, और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि PSP का आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हो, तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में बनाया है। जो आपके सामने हार्ड स्टेप आते हैं जिनको आप भर नहीं पाते, मैं उन्हीं पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस साइड पे आ जाना है आपको, और सबसे पहले इस पे रजिस्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा है रजिस्टर, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद में यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है। तो इसका अपने कैंडिडेट, जो मेरा कैंडिडेट है उसका नाम, मैं नाम यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और इसकी ईमेल आईडी यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके यहाँ मोबाइल नंबर हम फिल करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं सेंड OTP, ठीक है। सेंड OTP कर दिया, इसके बाद में हमारे पास OTP आएगा, ठीक है। यहाँ हम इसको कर देंगे एग्री, और यहाँ हम अपना OTP फिल करेंगे। उसके बाद में आपको करना है प्रोसेस्ड, ठीक है। प्रोसेस्ड करने के बाद में आपको यहाँ पासवर्ड बनाने हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना बना देता हूँ, इसका नाम सोनू है, तो एस कैपिटल में बना देता हूँ, Sonu@123, ठीक है। आपको भी कुछ इसी तरह के बनाने हैं, सोनू, ठीक है, @123। आप सबसे ईजी पासवर्ड है ये, बना सकते हैं अपने नाम से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से प्रोसेस्ड करना है, ओके। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन होते ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हो, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे डन करना नीचे, ठीक है। डन करने के बाद में यहाँ पे अपने क्रिएट करनी है प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे पहले, ठीक है। प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, बिजनेस का और पर्सनल का, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे बिजनेस पे क्लिक, मैंने बिजनेस पे क्लिक किया और नीचे प्रोसेस्ड किया, ठीक है। यहाँ पे मेरे बिजनेस का नाम है, ठीक है, जो मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो पैन नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और यहाँ पे प्रोफाइल नेम है इसका सोनू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोनू, और इसका नाम है यादव, ठीक है। तो मैंने इसका नाम डाल दिया, और यहाँ पे अपने जो पैन नंबर है वो फिल करने हैं, फिल कर दिया। इसके बाद में आपको करना है प्रोसेस्ड, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रोफाइल क्रिएट सक्सेसफुली, ओके। सिंपल सी तो आपको मैंने 2 स्टेप बता दिए हैं, ठीक है। ये साइट चल लेने के बाद में इसको थोड़ा मैं स्किप कर देता हूँ, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए वीडियो, ज़्यादा टाइमिंग ना ले। इस करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट जो पेज होगा कंप्लीट योर प्रोफाइल में, आपके पास इस तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी GST डिटेल हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे GST पे, ठीक है। तो अभी GST है नहीं हमारा, तो यहाँ पे अभी जो इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तभी हमारा GST है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनकम टैक्स पे जाएंगे, ठीक है। इनकम टैक्स से
आईटी रिटर्न पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे, ओके। यहाँ पे गए, यहाँ पे नीचे नीचे ऑप्शन आएगा स्किप का और नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट करना है, ओके। नेक्स्ट करने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको मैन्युअली फाइनेंस डिटेल्स पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपके पास कुछ इस तरह की डिटेल आ जाएंगे, ठीक है। अब ये सामने आ रही है, यहाँ पे प्रॉफिट भी है आपका, ठीक है, सेल भी है और इन्वेंट्री भी है और डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं और मशीन इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट, ठीक है। नेटवर्थ भी आपकी, टोटल असेट्स भी हैं और ये टोटल लाइबिलिटी भी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ कितना अमाउंट फिल करना है, इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, ठीक है। यहाँ हमारा जो नाम था, यहाँ पे नाम था हमारे सोनू यादव, ठीक है। तो हमने यहाँ सेलेक्ट करे सोनू यादव, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, 2000। यहाँ पे इसकी जो कंट्री है, ठीक है, इसका स्टेट है राजस्थान, ठीक है, तो हम यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। सिटीज़ की है झुंझुनू, ठीक है, तो यहाँ पे हम झुंझुनू सेलेक्ट कर लेंगे। मैं थोड़ा वीडियो को अपनी जो डिटेल है वो फिल कर देता हूँ और आपको थोड़ा दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो मैं अपनी डिटेल एक बार अच्छे से फिल कर देता हूँ। फिल कर लिए इसकी एड्रेस, ठीक है, परमिशन में हमें वार्ड नंबर डालना है या आपका हाउस नंबर है वो भी आप डाल दें। इसके माने हमने डिटेल सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद में हम ये जो फाइनेंशियल डिटेल है वो कैसे फिल करते हैं उस पर हम ध्यान देंगे पहले। तो यहाँ हमने सेल है कि हमने 18-19 में कितनी सेल की, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपये की सेल की, ठीक है। 19 में हमने 1.5 लाख रुपए की सेल की, ठीक है। इसके बाद में 2020-21 में हमने 2 लाख रुपए की सेल की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ फाइनेंस ईयर, तो यहाँ हमें अभी डाल देते हैं, यहाँ हमने 2 लाख रुपए की सेल, 2,10,000 रुपए की सेल कर दिया, ठीक है। ये हो गई आपकी सेल की डिटेल, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देख लेना अच्छे से एक बार, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सेल डाली 1 लाख की, ठीक है, तो इसमें हमारा प्रॉफिट कितना, 1 लाख में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। अब 1 लाख में हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 35,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2019 में हुआ यहाँ पे 50,000 का, ठीक है। ओनली प्रॉफिट डालना है। यहाँ पे हमारा हुआ 80,000 रुपये का, ठीक है, और अभी तक हमारा प्रॉफिट हो चुका है 1 लाख रुपये का, ओके। आपको इस तरह से अमाउंट सेलेक्ट करने, ध्यान से दे लेना एक बार, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ये फिल कर दी। इसके बाद इन्वेंट्री, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ काम नहीं है कि जो इन्वेंट्री है, तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, ठीक है, 0, ठीक है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ठीक है, ये डाल दिया, देख सकते हो आप एक बार। यहाँ डेटर्स में हमने किसी से कुछ लिया नहीं माल, ठीक है, हमारी खुद की ओनली सर्विस देते हैं हम, तो माल कहाँ से खरीदें। तो यहाँ पे अगर कोई आप सर्विस वाला काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 0 मिला। अगर आप कुछ सर्विस देते हो, कुछ ट्रेडिंग भी करते हो, तो यहाँ पे आपको डेटर्स कार्ड डालना होगा, ठीक है। लेकिन आप इनका स्क्रीनशॉट जो मैंने डाल रहा हूँ डिटेल, वहीं आपको सेम टू सेम यह अमाउंट यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप क्रेडिट है, यहाँ भी आपको 0, ठीक है, 0 और 0 और 0 सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, यहाँ पे हम डाल देंगे कि हमने यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट जो किया 50,000 का, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे हम डाल देंगे 80,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हमें 2021 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यहाँ पे 0 डाल दिया, ठीक है। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ में आप यहाँ पे आप डाल देना 2.5 लाख रुपये, सॉरी यहाँ पे डाल देना आप 1.5 लाख रुपये, ठीक है, यहाँ डाल देना आप 2 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ डाल देना आप 2.5 लाख, ठीक है, और यहाँ डाल देना आप 3 लाख, ओके। ये अमाउंट देखते रहना आपको, सेम इसी अमाउंट में डालना है टोटल असेट्स। यहाँ हम 0 डाल देंगे, 0, 0, 0 और 0, ओके। इसके बाद लाइबिलिटीज हैं, यहाँ भी हम 0 डाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ हमने 0 डाल दिया, ठीक है, तो हमने 0 डाल दिया, ठीक है, यहाँ हमने 0 डाल दिया, ओके। अब मैं वापस से एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये ऑप्शन आने के बाद में यहाँ आपको मैन्युअली डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, और यहाँ परमिशन नंबर में अपना वार्ड नंबर या हाउस नंबर लिख सकते हो आप, ठीक है, और नहीं है तो आप यहाँ पे 0 डाल देना, ठीक है। ये अपना एड्रेस यहाँ फिल करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो कुछ इस तरह की आएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आप फिल करोगे फॉर्म आपको सेम इसी अमाउंट पर आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डालने के बाद में यहाँ पर मैंने 0 0 डाला है, और इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, नीचे करना आपको प्रोसेस्ड, ओके। ये सिंपल सी स्टेप हो गई।
इसके बाद में हमारे पास आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, ओके। यहाँ पे करना आपको डन, ओके। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो यहाँ से आप ऐड बैंक करके और यहाँ स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। मान लो कि आपके पास स्टेटमेंट नहीं है तो आपको किस तरह से डालना है, आपको यहाँ मैन्युअली ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है, अकाउंट होल्डर नेम जो आपके बैंक अकाउंट में आपका लीगल नेम है वो, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने सोनू यादव डाल दिया और यहाँ, ठीक है, ये मैंने डाल दी। इसके बाद में यहाँ जाएंगे आप, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे हम लोन्स पे, ओके। लोन्स पे जाने के बाद में, ठीक है, आपके सामने, ओके, स्किप करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है आपको व्यू डिटेल्स में, ठीक है। मोर डिटेल्स में जाओगे, व्यू डिटेल्स में, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये मार्केट प्लेस पे, और ये आपको करना है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, ओके। यहाँ पे आपको करना है अप्लाई और आपको करना है मुद्रा लोन, ठीक है। ये आपके सामने कुछ इस तरह आएगा, आप पहले वाले ऑप्शन को नो कर देना और आई एम रेगुलर माई लोन, ठीक है, एक नोट डिफॉल्टेड, तो इसमें करना आपको, और इसको करना आपको प्रोसेस्ड, ठीक है। इसको करना आपको एग्री, और यहाँ पे करना है एग्री पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद में ये डिटेल्स आ गई आपके पास में, ठीक है। बैंक अकाउंट ऐड कर दिया, आईडी रिटर्न भी हमने लगा दी। सेल की डिटेल कैसे डालेंगे, सबसे मेन पॉइंट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे डिटेल्स पे, जीएसटी पे, तो जीएसटी का डिटेल आपको इस तरह से डालना है। आपके पास ऑप्शन आएगा तो, ठीक है, आपके अंदर नो का सेलेक्ट करना है उसके अंदर, ठीक है। आपको यहाँ पे नाम डालना है और यहाँ पे अपनी जीएसटी की जो सेल है वो किस तरह से डालनी है आपको, इसका अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना और इसका स्क्रीन शूट भी आप ले सकते हो, ठीक है। आपको सेल में कुछ इस तरह से अमाउंट डालनी है, ठीक है। मैंने जनवरी में 7,000, फरवरी में 8,000, ठीक है, ऐसे ही मैंने अपने अमाउंट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर में मैंने 25,000 दिखा दिया, तो मेरी टोटल जो सेल हुई वो दिखा दिया मैंने 1,14,001 रुपये की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको वापस जाना है, यहाँ पे हमने करना है लोन पे क्लिक, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, सभी चीज़ पे। एक आपके पास इस ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को आप नो करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इसके बाद में प्रोसेस्ड करना है और यहाँ से करना है एग्री, ओके। आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब हम जीएसटी की डिटेल डाली है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जो फोर्थ स्टेप आएगा, की पर्सन डिटेल में आपको इसमें क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपको इसमें एड्रेस डालना अपना, ठीक है। मैं अपने एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एम्प्लॉई आप 0 रख सकते हो, ठीक है। और सिंस मैंने 3 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए, सॉरी, मेरा जो बिज़नेस है उसको 3 साल 2 महीने, ठीक है। और अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी डाल दिया। इसके अंदर आप दोनों के अंदर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करिए, आपको बीच वाला ऑप्शन है, ठीक है, नोट लोकली, ठीक है। इसके बाद आपको एवरेज पे, ठीक है, ये दो ऑप्शन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में इनमें से आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे सेलेक्ट करना है, ओके। इसके बाद में अपनी जो प्रोपराइटर है इसको, और यहाँ पे अपना जो टाइटल है तो मिस्टर, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, जो अपना नाम है मैं सेकंड फॉरम में दिखा देता हूँ आपको फिल करके, ठीक है। और यहाँ पे करना आपको, ठीक है, और यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालना है और यहाँ पे अपना करना है जेंडर, ओके। जेंडर के बाद में यहाँ पे आपको एजुकेशन सेलेक्ट करना है, मैं ग्रेजुएट हूँ, यहाँ से मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है। नेटवर्थ हमने दिखाई थी 3.5 लाख रुपये की, ठीक है। और यहाँ अपना एड्रेस, ठीक है, तो मैं अपना वार्ड नंबर डाल देता हूँ, स्ट्रीट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, और सॉरी, ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए, और ठीक है, ये मैं अपना डाल देता हूँ। यहाँ पे अपनी कंट्री, ठीक है, स्टेट राजस्थान, और राजस्थान, और यहाँ से अभी हम कर लेते हैं, ठीक है, मेरी जो सिटी है वो मैं कर लेता हूँ नीम का थाना, ठीक है। तो मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सिटी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद में अपना जो पिन नंबर है वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद में अपना विलेज, ठीक है, तो विलेज में अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में रेजिडेंसी, आप रेजिडेंसी इंडिया, ठीक है, यहाँ पे आपको नो करना है। फिजिकली हैंडीकैप, अगर आप यस हैं तो यस या नो, ठीक है। प्रोपराइटर डिटेल्स, यहाँ पे आपको करना है नरेश कुमार वर्मा। ओनर इन हाउस भी आपको यहाँ पे नीचे देखना है। लिविंग विथ फैमिली पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इनकम टैक्स पे आपको नोट असेस्ट करना है। यू हैव लाई, अगर आपकी हेल्प पे लाई, सॉरी,
अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस है तो यस करना, वरना नो करना है इसको। आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड करना है, यहाँ पे डिपेंडेंट भी आपको जीरो पे डिपेंडेंट, अगर आपके फैमिली में कितने लोग आप पे डिपेंड हैं, तो मेरी में अभी तो मेरे पे कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो अदर इनकम है वो आपके दो हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, और यहाँ पे अपना जो मटेरियल स्टेटस है वो मैं अनमैरिड हूँ, और यहाँ पे अपना जो वर्क इन पैलेस, ठीक है, जहाँ आपका ऑफिस है, तो इनको आप यस कर देना तीनों को, ठीक है। तो यहाँ आप मैं 24, ठीक है, मतलब कि जो आपकी एज होगी, अगर आप 24 इयर्स के हो गए तो यहाँ पे 24, 23 के तो 23, ठीक है। अगर आपने पहले से एस बी आई का मुद्रा लोन ले रखा है तो यहाँ पे यस करना, वरना इसे नो कर देना, ठीक है। अगर आपने किसी अदर स्टडी का कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो इसको यस वरना नो, तो मैंने नहीं कर रखा, और यहाँ पे कैटेगरी पे मैं कर देता हूँ SC, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे कर दें प्रोसेस्ड, ठीक है। कुछ इसके अंदर मिस रह गया वो हम यहाँ से फिल कर लेते हैं वापस से, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या मिस रह गया, ठीक है। इसके अंदर हमारी मोबाइल नंबर रह गए, तो मैं मोबाइल नंबर अपने फिल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने मोबाइल नंबर फिल कर लिया, इसके बाद में हम कर दें प्रोसेस्ड, ओके। ये हमारी फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुई, ओके, समझ जाओगे आप, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आपके लिए थोड़ा आसान होगा, जो हार्ड स्टेप है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे करने के बाद में आपको यहाँ पे एसोसिएट प्रोसेसेशन पर डिटेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको करना है इस पर क्लिक, इसको नो करना है, इसको करना प्रोसेस, ओके। लास्ट स्टेप हमारी है, ठीक है, वन फॉरम की, ओके, कंप्लीट कर दिया। लास्ट स्टेप फॉरम की है, यहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल सेलेक्ट करनी है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ही आपका कुछ सब कुछ होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में आपको किस चीज़ का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे पर्सनल सर्विस भी कर देता हूँ या अदर्स भी कर देता हूँ, ठीक, मैंने अदर का कर दिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे पर्सनल सर्विस, ओके, ठीक है। मेरा साइबर यहाँ पे मैंने सर्विस कर दिया। MSME में आपका नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैं लिखता हूँ ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ, ठीक है, तो ऑनलाइन वर्किंग का आप डाल सकते हो, साइबर के ऑनलाइन वर्क, ठीक है। यहाँ आपके उद्योग आधार के आधार नंबर है ना, वो फिल करने हैं, ठीक है, तो मैं अपने आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद में मार्केट पैलेस में यहाँ पे नो मार्केटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सॉरी लास्ट का नो अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस परमिशन पे आपको डालने हैं, मेरा खुद का ही शॉप है, ठीक है, और अगर आपका रेंट है रेंट तो पे डालना, ठीक है। एक्टिविटी में आपको डालना है ऑनलाइन वर्किंग, ठीक है, ऑनलाइन वर्क से, और यहाँ भी आपको ऑनलाइन प्रोडक्शन डालना है, ठीक है। इसके बाद में आपको कितने की लोन की रिक्वायर्ड है, ठीक है, सेम एग्जिटिंग लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको किस चीज़ के लिए लोन चाहिए, ठीक है। तो अभी इसका साइट का इश्यू है, यहाँ पे आएगा वर्किंग कैपिटल आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा साइट का एरर है इसलिए आ नहीं रहा। वर्किंग कैपिटल का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने 2 लाख रुपये की डाली, और यहाँ पे प्रमोटर अमाउंट में भी आप 1,80,000 या 2 लाख डाल सकते हो, ठीक है, मैंने 1,80,000 डाल दिया। इसके बाद में जो मेरा लोन चल रहा है ऑनगोइंग, ठीक है, एग्जिटिंग लोन डिटेल्स, जो मेरे 3 से 4 लोन चल रहे हैं वो मेरे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनकी यहाँ पे अमाउंट फिल करनी है। आपको यहाँ पे अमाउंट कौन सी फिल करनी है, जो EMI से आउट स्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा ना हो, ठीक है, तो आपको ये वाली 7818 वाली यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे फिल करनी है। और इसके बाद में 20,000 वाली अमाउंट है, जैसे 27,000 का लोन है, तो यहाँ पे 27,000 का जो है, तो यहाँ पे मेरे को 27,132 रुपये सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 1437 रुपये, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1,000 रुपये, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको उद्योग आधार पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप दोनों को नो करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रोसेस्ड करना है, ठीक है। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है कि वो इसका साइट का जो एरर था, तो यहाँ से एक ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इसका देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये नहीं ओपन हो रहा है, तो साइट का एरर है। इसके सब डिटेल फिल करने के बाद में मैंने आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है, ये आप डिटेल दे सकते हो, यहाँ को आपका उद्योग आधार कार्ड नंबर डलेगा, ये आपके आधार नंबर आ गए, और यहाँ पे आपको ये सब सेलेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। इसके बाद में लोन पर्पज पे आएगा, 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का आएगा, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, अमाउंट डालनी है 2 लाख रुपये, प्रमोटर अमाउंट में 20,000 कम करके डाल देना, और ये आपके जो लोन आ जाएंगे इसमें ये वाली जो आउटस्टैंडिंग लोन वाली अमाउंट है ना, वही यहीं डलेगी, ठीक है, वो यहाँ आएगी यहाँ, ठीक है, और सेम अमाउंट आएगी। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, इसको उद्योग आधार पर क्लिक करना है, ठीक है, अगर आपके पास GST है तो GST भी करना है, अगर उद्योग आधार कार्ड है तो उद्योग आधार पे क्लिक करना है, इन दोनों ऑप्शन को नो करना है, और यहाँ पे प्रोसेस्ड पे क्लिक करना है, ठीक है, आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, आगे भी आपको कुछ इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।